गुड इवनिंग क्लास। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक हमारा आज का है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक बेस चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जैसे एक कंघा लो और कंघा को एक पीसा पेपर पेपर के छोटे टुकड़े के पास ले जाओ, तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? तो ये अट्रैक्ट नहीं होता, नॉट अट्रैक्ट। ओके, मगर जब इस कंघे को कहाँ करते हैं, बाल पे, हेयर पे, ड्राई हेयर पे रब करें, ठीक है, और फिर रब करने के बाद फिर इस पेपर के पास जब ले जाते हैं तब ये अट्रैक्ट करने लगता है। इस पेपर को क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कॉम्ब है, कंघा है, वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, ठीक है, और जब चार्ज हो जाएगा तो इसमें फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ये उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये जो कंघा हमारा है कैसे चार्ज हो जाता है वो हम लोग देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, और ये चार्जलेस और न्यूट्रल दोनों क्या है? अलग अलग बातें हैं। वो कैसे? देखो, जैसे हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इस ऑर्बिट में पाए जाते हैं, समझ गए? अब क्या है, अगर चार्जलेस कोई बॉडी है तो इसका मतलब उसमें चार्ज नहीं है। इसका ये मतलब है कि उसमें सिर्फ कौन है? न्यूट्रॉन्स हैं। क्या है? न्यूट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है? दोनों है, मगर दोनों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों की क्वांटिटी क्या है? दोनों क्या है? बराबर मात्रा में है। कैसे है? बराबर मात्रा में। जैसे हमने ले लिया एक पेन, पेन क्या है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। कैसा है? इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, कली न्यूट्रल, ठीक है। इसे हमें चार्ज करना है। इसको चार्ज कैसे करेंगे? जैसे एक हम इसके पास एक नेगेटिव चार्ज रॉड को लाओ। किसको लाएंगे? नेगेटिव चार्ज रॉड को, और जब इससे टच कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे। ओके, कहां से कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे? इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहले क्या था, जब न्यूट्रल था तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या थे? बराबर मात्रा में थे, तो ये क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मगर जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का, इसलिए ये बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, अगर हमें इसे पॉजिटिव चार्ज करना है, इस पेन को जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तब देखो क्या करेंगे, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाएंगे, ठीक है, और इससे टच कराएंगे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब यहां से इलेक्ट्रॉन, इस पेन से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस रॉड में चले जाएंगे। जब ये इस पेन से इस वाले में चले जाएंगे तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो कौन ज्यादा क्वांटिटी में होगा? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, एक चीज और देखते हैं, जैसे एक कोई बॉल ले लो और इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड को लाओ, ठीक है। जब इसके पास लाएंगे तो यहां के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस क्या करेंगे? दूर, और जो प्लस वाले होंगे वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया, ये वाला सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मगर ये टेम्परेरी है। अगर इस रॉड को हटा देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, दो रॉड लाते हैं, दो गोले लाते हैं, दोनों को टच कराते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर नेगेटिवली चार्ज रॉड को लाओ। अब जो नेगेटिव वाले होंगे वो किधर, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर आ जाएंगे? इधर, और प्रोटॉन किसमें हो जाएंगे? इसमें। तो ये क्या हो जाएगा गोला? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मगर कैसे?
जब इसको और इसको साइमल्टेनियसली हटाना है, मतलब एक साथ हटाएंगे तो यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो प्लस वाले इसी में रुक जाएंगे और माइनस वाले इसमें आ जाएंगे। ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस का, ये चार्ज हो गए। ओके, तो चार्ज हम लोगों ने पढ़ा, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के चार्जेस आर, चार्जेस आर टू टाइप, टू टाइप। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब और चीज, अगर दोनों प्लस के चार्ज हैं, अगर दोनों पे प्लस का चार्ज है तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब दूर दूर हटेंगे। और दोनों पे अगर माइनस का है तब भी क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, मतलब दूर दूर हटेंगे। अगर प्लस और माइनस है, अपोजिट चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यही लिखते हैं कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या होता है, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, और क्या होंगे, अगर सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिपल करते हैं, सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर, ईच अदर। ओके, अपोजिट को हम लोग बोल सकते हैं अनलाइक चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, और इसको सेम को बोलते हैं लाइक, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे अनलाइक में कौन हो गया, प्लस माइनस, और सेम चार्जेस मतलब प्लस प्लस हो या प्लस माइनस माइनस हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके, उसके बाद एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है द चार्ज, अच्छा एक चीज और इसमें रह गई, चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी होती है कूलाम, सी ओ यू एल ओ एम बी, कूलाम। ठीक है, चार्ज को लिखते किससे हैं, क्यूब से लिखते हैं, स्मॉल क्यूब या बड़ा वाला क्यूब। ओके, और यूनिट को अगर एक लेटर में लिखना चाहे तो कैपिटल सी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, अगर वो चार्ज है तो सबसे मिनिमम जो चार्ज हो सकता है उस पर कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एलिमेंट्री चार्ज में क्या लिखेंगे, तो चार्ज ऑफ एनी बॉडी, द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, बॉडी कैन नॉट बी लेस देन द चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। ओके, मतलब क्या कहा है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसमें मिनिमम चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E = 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो सबसे मिनिमम जो चार्ज होता है वो कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ओके, यहां तक समझ में आया? अच्छा, और उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो हमारा चार्ज है, इसे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर चार्ज होगा E की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज की वैल्यू आएगी 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ओके, तीन जाएंगे
तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना समझ गए। अब क्या डेढ़ ढाई पौने तीन ये सब चार्ज जा सकते हैं? तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। वही लिखा है द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ ई, टू ई, थ्री ई, फोर ई। ऐसा ही पॉसिबल है। क्या हो सकता है? ई जा सकता है, टू ई जाएगा, थ्री ई जा सकता है, फोर ई जा सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। मगर जो चार्ज की वैल्यू 1.5 ई, 2.5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा, ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका फार्मूला बन जाता है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहां एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? क्यू क्या है? क्यू है आवेश है, कितना चार्ज गया है। ओके, तो Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू क्या है? चार्ज ऑफ, ई क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्यू क्या है? चार्ज, जितना ट्रांसफर हुआ है। okay, इतना समझ गए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया कि कोई भी बॉडी पे चार्ज की जो चार्ज जा सकता है, ई जा सकता है, टू ई जा सकता है, थ्री ई जा सकता है, मगर 1.5, 2.5, 3.5 इस तरीके का चार्ज नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन नॉट, ऐसे लिखो इसे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, नॉर डिस्ट्रॉइड, ठीक है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, समझ गए। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे दो ऑब्जेक्ट वस्तु है, एक हायर पोटेंशियल पे है, दूसरी लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये क्या होगा? यहां से चार्ज चलेगा इधर की तरफ, जाएगा हायर से लोअर की तरफ। कहां से? हायर से लोअर की तरफ। कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मतलब चार्ज चलेगा, ठीक है। कब तक चलते रहेंगे? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, सेम पोटेंशियल पे ना। तो फ्लो कौन चलता है? चार्ज चलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे? चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, तो जब चार्ज चलता है, फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें लिखना हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब क्या डिफिनेशन लिखेंगे? तब लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी या आई इज इक्वल टू डी क्यू अपान आई इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी डी क्यू अपान डी टी ओके समझ गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट में इसी में और समझा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी होती है। इसकी यूनिट अगर लिखना है तो यूनिट आती है एम्पियर, ओके, या और करके कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। ठीक है, और एमीटर को हमेशा किस में रखते हैं, एमीटर हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या लिखेंगे, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें कनेक्ट करते हैं हमेशा, एमीटर किसमें कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जैसे ये प्लस है, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज अगर प्लस है इधर की तरफ जा रहा है तो हमारी करंट भी किधर जाएगी, इधर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इधर की तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इसके विपरीत होगी, इधर की तरफ। समझ गए, ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत हमेशा क्या होती है, करंट चलती है। जैसे इसमें ये एक सर्कल बनाया, इसमें अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे नाच रहा है, ऐसे घूम रहा है इधर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इसके अपोजिट होगी। ओके, इतना समझ में आ गया। ये क्या है, प्लस चार्ज अगर इधर की तरफ चल रहा है तो करंट सेम डायरेक्शन में चलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है तो करंट उसके विपरीत चलेगी। ओके, इतना समझ गए। ओके, थैंक यू।